आपसे रिश्ता है प्यार का। खैरियत से पहुंच गए आप लोग। कहाँ कहाँ से आ जाते हैं रिश्ता लेके। नहीं करनी शादी। आपकी दोनों सदाई इतवार को पाकिस्तान पहुंचा रहा है और उसने कहा था मेरे आने से पहले ये बात फाइनल कर लीजिएगा। भाई साहब मैं भी यही चाहती हूँ मगर वो हम तो आपको कोई लंबी चौड़ी तैयारी का भी नहीं कह रहे। राहिल के पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है। मुझे पता है आप जानते हैं ना मैं अकेली हूँ। मेरे मियाँ हयात होते ना तो मैं अपने सारे फैसले खुद कर लेती लेकिन कम से कम मुझे अपने भाई को तो बताने दीजिए। अरे आपने तो मुझे फ़ोन करके कहा था कि मैंने उनसे बात कर ली है। जी जी मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया और वो तैयार भी हैं लेकिन अब आप लोग इतनी जल्दी कर रहे हैं तो कम से कम मुझे उनसे मशवरा तो लेने दीजिए ना। आपने भाई साहब से बात करवा के हमारी मुश्किल आसान करवा दी। बहुत शुक्रिया भाभी। मैं जब राहिल को ये बात बताऊंगी कि इस इतवार को उसका निकाह है वो तो खुशी से पागल हो जाएगा। उठाओ। हेलो स्वीटी। तुम्हें पता है यही मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। तुम बाहर निकल के देखो कितना अच्छा मौसम हो रहा है। बाहर आओ जल्दी। कहाँ हो तुम? तुम्हारे दिल में और कहाँ। अरे प्लीज मैं प्रॉब्लम में हूँ। क्या हुआ खैरियत तो है? मैंने तुम्हें कहा था ना कि खाला पीछे पड़ी है कुछ ना कुछ करके ही छोड़ेंगे। अब क्या हुआ वो फिर रिश्ते के लिए प्रेशर डाल रही हैं? रिश्ते से बात आगे बढ़ चुकी है। नेक्स्ट संडे मेरा निकाह है। ऐसा कैसे हो सकता है मेरा? जिस लड़की को आज तक तुमने देखा नहीं परखा नहीं उससे तुम्हारी शादी? That's impossible। तुम बस वहां बैठ के यही सोचते रहना और यहाँ मेरी शादी हो जाएगी। अच्छा अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो। तुम प्लीज टेंशन नहीं लो और मुझसे फौरन मिलो। मैं तुम्हारे साथ हूँ मेरा। आई प्रोमिस यू। अली मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मुझे पता है मेरा मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम टेंशन क्यों ले रही हो? अच्छा कोई आ रहा है मैं फोन रखती हूँ बाद में बात करती हूँ। क्यों नहीं करनी शादी तुम्हें? अरे कोई पहाड़ खोदने हैं क्या तुम्हें? अभी अभी मुझे यूनिवर्सिटी में दाखला लेना है। दाखला ले लो दाखला। मैंने कोई पाबंदी थोड़ी लगाई है तुम्हारे दाखला लेने पर।
आपने तो संडे को मेरा निकाह रख दिया ना, मैं क्या शादी के बाद पढ़ूंगी? हुमैरा बेटा, अगर मियां चाहे ना तो शादी के बाद भी पढ़ाई जारी रखी जा सकती है। तुमने अभी राहिल को देखा ही कहाँ है बेटा। राहिल बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा। मैंने देखी है उसकी पिक्चर। तो कैसा लगा तुम्हें राहिल? हाँ, बोलो बेटा कैसा लगा तुम्हें? मैंने फैसला कर लिया, मुझे शादी नहीं करनी तो नहीं करनी, बस। अरे दिमाग खराब हो गया इस लड़की का, दो जूते लगाऊंगी ना तो दिमाग ठिकाने आ जाएगा इसका। जिंदगी अजाब करके रख दी इसने मेरी। अरे इतनी सी परवाह नहीं इस दिमाग की। तुम्हें अंदाजा नहीं है मुझ पर कितना प्रेशर है। 2 दिन बाद मेरा निकाह है, अगर तुमने कुछ नहीं किया तो मेरी अम्मा मेरी कहीं और शादी कर देंगी। मैंने तुम्हें बताया तो था मेरी। थैंक यू। मैंने तुम्हें बताया हुमैरा कि मेरी फैमिली यहाँ नहीं रहती है, मैं अकेला रहता हूँ यहाँ पर, और अगर मैं अभी अपने घर वालों को बुलाऊंगा अभी तो वो फौरन तो नहीं आ जाएंगे ना, ऑफकोर्स थोड़ा टाइम लगेगा। 1 साल, पूरा 1 साल हो गया मुझे तुमसे कहते हुए कि अली प्लीज अपनी फैमिली को मेरे घर ले आओ। मैं घर में मुंह फाड़ के तुम्हारे बारे में बात नहीं कर सकती, पर तुम पे तो कोई असर ही नहीं होता। मैंने तुम्हें बताया तो था मेरी फैमिली आने वाली है यहाँ पर, अब अचानक अब्बा की तबीयत खराब होगी, मेरा क्या कसूर है? जब तुम मुझे अपना नहीं सकते थे तो प्यार क्यों किया? क्यों ऐसे झूठे मूठे वादे किए? प्लीज हुमैरा, प्लीज मुझे गलत मत समझो, मैं तुमसे अब भी उतना ही प्यार करता हूँ, तुमसे अब भी उतना ही सिंसियर हूँ। मैंने कभी भी तुम्हें धोखा देने की या तुम्हें चीट करने की कोशिश नहीं की। तो फिर चीटिंग और क्या होती है अली? 2 दिन बाद मेरा निकाह है एक ऐसे बंदे से जिसको मैं जानती तक नहीं और जिससे मैंने इतना प्यार किया, वो आज मुझसे भाग रहे हैं। मैं तुमसे भाग नहीं रहा हूँ। इसे भागना ही तो कहते हैं। तुम्हारे नजदीक मेरे प्यार की तो कोई अहमियत ही नहीं है। जब वक्त आएगा ना तो एक दिन तुम्हें जरूर बताऊंगा कि तुम्हारा प्यार ही मेरे लिए सब कुछ है। सब कुछ है तो फिर हिम्मत करो ना। बहुत हिम्मत है मुझ में। ओके बताओ क्या करना है, क्या चाहती हो तुम? कोर्ट मैरिज करोगे? कोर्ट मैरिज मतलब हम भाग कर फैमिली से छुपकर शादी करेंगे? जाहिर सी बात है, मेरी अम्मी तुमसे मेरी शादी क्यों करेंगी जब उनके पास दुबई की इतनी अच्छी फैमिली का रिश्ता मौजूद है। तुम्हें अपने प्यार के दावे तो याद है ना? सब याद है, तुम तैयारी करो, हम कल ही कोर्ट मैरिज करेंगे। खुश चलो खाना। अबे यार सिर्फ 1 हफ्ते की बात है, उसके बाद मैं कुछ ना कुछ इंतजाम कर लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देख मुझे कोई मसला नहीं है, मेरी फैमिली गई हुई शादी में थककर, पूरा घर खाली पड़ा हुआ है। हाँ तो प्रॉब्लम क्या है? देख मैं और तेरी भाभी किसी भी कमरे में रह लेंगे यार, कुछ दिन की बात है। देख तुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी ये मेरी गारंटी है पक्का। यार वो तो ठीक है, मगर मैं ये सोच रहा था कि तू इतना बड़ा कदम उठा रहा है और तेरे माँ बाप ने अगर शादी के बाद एक्सेप्ट नहीं किया फिर। अरे यार ये माँ बाप बड़े फराख दिल होते हैं, शुरू में डांट डपट करेंगे लेकिन फिर मान जाएंगे।
अपनी मोहब्बत से मजबूर होके उन्हें हमें गले लगाना ही पड़ेगा। देख एक बार फिर सोच ले, मोहब्बत करना आसान है लेकिन निभाना बहुत मुश्किल काम है। वो लड़की होके हिम्मत करिए और मैं लड़का होके डर जाऊं, ये तो मोहब्बत नहीं हुई यार। चलो ठीक है, तुम कोर्ट मैच करके आ जाओ, पूरा घर खाली पड़ा हुआ। अरे थैंक यू यार, थैंक यू वेरी मच। कोई बात नहीं यार, तूने मेरी मुश्किल आसान कर। नहीं नहीं, मैंने अम्मी को शक ही नहीं होने दिया कि मुझे शादी से इख्तलाफ है, बस देख लो। अली मुझसे बहुत प्यार करता है, उसने कहा है कि हम लोग कोर्ट मैरिज कर लेंगे निकाह से एक दिन पहले। किससे बात कर रही थी तुम? किसी से नहीं अम्मी। फोन कहाँ है तुम्हारा? फोन दो मुझे, कहाँ है तुम्हारा फोन? वो यहाँ पे नहीं है, मेरी दोस्त ने लिया था, उसको चाहिए था। दोस्त ने ले लिया था, यही होगा तेरा मोबाइल। ये रहा तेरा मोबाइल, ये रहा तुम्हारा फोन, और ये सारे फसाद की जड़ ये मोबाइल है। नो ये तुम्हारे पास रहेगा और ना तुम्हें बातें बनाने का मौका मिलेगा। और हां मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो तुम हुमैरा, मैं तुम्हारा जनाजा निकाल दूंगी मगर इज्जत का जनाजा कभी नहीं निकालने दूंगी, कभी नहीं निकालने दूंगी तुम्हें, समझी तुम? अम्मी जी। हेलो हुमैरा, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें कल रात से फोन कर रहा हूँ। मुझे मजबूरी में दूसरा फोन निकालना पड़ गया, इसकी बैटरी ज्यादा देर नहीं चलेगी। बस मैं जो कह रही हूँ वो गौर से सुनो। हाँ तुम बोलो, मैं सुन रहा हूँ। अच्छा ठीक है, तुम बस इस फोन को संभाल के रखो, ठीक 11:30 बस स्टॉप पर पहुंचाना, मैं वहीं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ओके लेकिन तुमने बाकी इंतजाम तो कर लिया है ना? हाँ हाँ, तुम उसकी टेंशन मत लो, सब इंतजाम हो गए हैं। आज रात को अपनी जिंदगी का नया सफर शुरू करेंगे। बस दुआ करो कि अम्मा मुझे निकलने दें। बहुत शकी हो गई हैं, बार बार मुझे चेक करने आती हैं। ठीक है अब तुम जो भी करना बहुत ध्यान से करना, पर स्टॉप पर पहुंच जाऊंगा। ओके हुमैरा। जी अम्मी। दरवाजा बंद करके क्या कर रही हो बेटा? दरवाजा खोलो बेटा। जी अम्मी आई। अरे क्या कर रही हो? कपड़े चेंज कर रही हूं, आ गई।
अब वो भाई आज मैं तुम्हारे कमरे में सोऊंगी। क्यों? वो पता है क्या हुआ, वो मैं अपने कमरे में मच्छरों का स्प्रे कर रही थी, अरे बॉटल गिरकर टूट गई मेरे हाथ से और पूरे कमरे में इतनी स्मेल है कि मैं वहाँ नहीं सो सकती। अब सुबह किसी से सफाई करा लूँगी, फिलहाल मुझे बहुत नींद आ रही है बेटा, बस मैं तुम्हारे साथ सोऊंगी बस। जी हेलो, कहाँ हो यार तुम? 9 बजने वाले हैं, कब से वेट कर रहा हूँ मैं, निकल रहा हूँ अब यहाँ से। अम्मा मेरे कमरे में ही सो रही हैं, जैसे ही उनकी आंख लगती है मैं आती हूँ। ओके अच्छा लिसन, निकलने से पहले मुझे एक बार कॉल जरूर करना। मैंने कहा ना मैं फोन नहीं कर सकती, मेरा फोन बंद होने वाला है। अम्मा सो जाएंगी 10-15 मिनट में, फिर मैं निकल जाऊंगी। तुम कहीं नहीं जाना, मेरा इंतजार करना ठीक है? हाँ हाँ मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं बस वहाँ पे पहुँच रहा हूँ। ओके ठीक है, मैं निकलती हूँ। अब किसका मैसेज आ गया? मैं घर से निकल रही हूँ, कहीं मत जाना। तुम्हारे सिवा कहाँ जाऊंगा मैं? किसका फोन आ गया यार? तुझे सबर नहीं है? 10 मिनट रुक जा, मैं उमेरा को पिक करके आ रहा हूँ, 10 मिनट। अरे यार अभी मत आना, गड़बड़ हो गई है। क्या मतलब? यार सारे घर वाले अचानक से आ गए सक्कर से। ऐसा ना कर यार, मैंने तो सिर्फ तुझे कहा भाई, और इस तरह की बात मैं किसी और से कर भी नहीं सकता, तुझे अच्छी तरह पता है। यार तो तू अपने कमरे में ट्राई करना। कैसे शेयर कर लूं यार, तुझे पता है वो रूम शेयरिंग पर है, हम लोग 3 लड़के रहते हैं एक रूम में, मैं उमेरा को वहां पर कैसे रखूंगा? यार मैंने तो कोशिश की मगर भाड़ में गई तुम्हारी कोशिश। क्या करूं क्या करूं क्या करूं, उमेरा अली मुझसे बहुत प्यार करता है, उसने मुझसे वादा किया है कि वो मुझे निकाह से एक दिन पहले अपने साथ ले जाकर कोर्ट मैरिज कर लेगा। मेरे
मेरे साथ तो धोखा हो गया, अब मैं उमेरा को लेकर कहाँ जाऊँगा? मोहब्बत और जज्बात के रेले में आज मैं उसे अपने साथ कहीं ले भी गया तो कहीं ना कहीं पुलिस के हत्थे चढ़ जाऊँगा। घर के बगैर हम कहाँ रहेंगे? मुझे उमेरा को रोक देना चाहिए। मैं उसे बर्बाद नहीं कर सकता। मुझे यहां से निकल जाना चाहिए। अगर वो मेरे होते हुए यहां आ गई तो मेरे गले पड़ जाएगी। भैया, चले चले चले, चल जल्दी कर, निकल जा निकल। हल्ला मैंने इसलिए छोड़ दिया था कि उमेरा का सामना करने की हिम्मत नहीं थी मुझको। पता नहीं उस रात क्या हुआ होगा उसके साथ, कहाँ कहाँ ढूंढा होगा उसने मुझे। मैंने तो उस दिन अपना सेल फोन भी ऑफ कर दिया था। यार अब तो 3 महीने हुए इस बात को, अब तो भूल जाओ उसे। भूल जाओ? कैसे भूल जाऊं? सब कुछ मैंने उसके साथ किया वो उसकी अजियत मुझे रात भर सोने नहीं देती। मैं उसको भुलाना चाहता हूं मगर नहीं भुला पाता। मेरे जमीर पर एक बोझ है, एहसास से जुर्म मेरे अंदर से खत्म नहीं होता। यार तो तुम उसे फोन करो और बता दो कि तुम्हारी क्या मजबूरी थी। तुम्हें क्या लगता है इन 6 महीनों में मैंने उसको फोन नहीं किया होगा? एक बार? हजार बार फोन किया मैंने उसको। क्या उसने तुमसे बात करने भी गवारा नहीं किया? उसकी नौबत ही नहीं आई। उसका सेल फोन उसके बाद से कंटिन्यूसली ऑफ जा रहा है। सिम चेंज कर ली होगी उसने। इस केस में सारा कसूर मेरा ही था, लेकिन मेरी भी तो मजबूरी थी यार। तुमने तो बोलकर मामला एक तरफ कर दिया। मुझे तो एक मौका भी नहीं मिला कि मैं उमेरा से मिलकर अपने गुनाहों की माफी मांग सकूं, अपने गुनाहों की तलाफी कर सकूं, उसको बताऊं कि मेरी क्या मजबूरी थी। पता नहीं कहां हो गई। अच्छा चल छोड़।
मेहरा तुम अली मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने जो तुम्हारे साथ किया मुझे नहीं करना चाहिए था। अगर तुम मुझे बताओ मैं क्या करता, कहाँ लेकर जाता तुम्हें उस रात? कोई जगह नहीं थी मेरे पास, कोई घर नहीं था। मैं तुम्हें धोखा देकर बस स्टॉप से भाग गया था। मैं इसे तो मेरी बुजदिली कहो या मेरा खौफ, अगर मैंने तुम्हारे साथ बेवफाई नहीं की, हाँ धोखा दिया मैंने तुम्हें, तुम्हारा मुजरिम हूं मैं। तुम मुझे जो चाहे सजा दे सकती हो, कबूल है मुझे। तुम बताओ मैं तुम पर क्या गुजरी उस रात? रात हुमैरा मेरे मुंह पर कालक मलकर इस घर की दहली इसको पार करोगी? याद रखना जिंदगी भर अपनी खुशियों को तरसोगी तुम, मां बाप की इज्जत और खानदान की इज्जत का जरा सा भी पास नहीं तुम्हें। घर से भागकर यानी के हाँ उस रात मैं भी नहीं भागी थी। मेरी मां की इज्जत का सवाल और इस बात का मुझे एहसास हुआ, मैंने अपने दिल पर पत्थर रखकर उनके फैसले के आगे सर झुका लिया। मेरी शादी हो चुकी है और राहिल मेरी सोच से भी ज्यादा अच्छे इंसान है। कल हम लोग हमेशा के लिए दुबई शिफ्ट हो रहे हैं। तुम्हें मेरी कोई भी बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ कर देना।
मैं चलती हूँ। अली, जिंदगी इतनी नाकारा नहीं है कि उसको किसी के भी इंतजार में बर्बाद कर दिया जाए। जिंदगी बहुत खूबसूरत है। मेरी मानो तो तुम भी किसी अच्छी सी लड़की से शादी करो, घर आबाद करो, जिंदगी के माने बदल जाएंगे। अच्छा, मैं चलती हूँ। राफिस।